एवरी कहाँ यूज करे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मच और मैनी दोनों का मीनिंग सेम होता है, बट मच कहाँ यूज करे, मैनी कहाँ यूज करे। लिटिल और फ्यू दोनों का सेम होता है, दोनों कहाँ यूज कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट, ये सारे एडजेक्टिव्स हमने किए थे। तो आज हम उसी तरीके से एडवर्ब्स करेंगे कि जिनके मीनिंग सेम होते हैं, कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके मीनिंग तो सेम होते हैं बट उनके यूजेस में डिफरेंस होता है, तो वो कहाँ कौन सा यूज होता है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे टू। टू इसकी सबसे पहले तो प्रोनंसिएशन टू नहीं होती है, इट्स टू, टू ओनली। जो टी ओ के प्रोनंसिएशन होती है, टी डब्ल्यू ओ के प्रोनंसिएशन होती है, वही सेम प्रोनंसिएशन टी डबल ओ की भी होती है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है इसको हम जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले तो टू का मतलब होता है मोर देन टेन, यानी हद से ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं जितना होना चाहिए उससे हद से ज़्यादा होता है। और या फिर कहते हैं कि मोर देन एनफ मतलब एक्सेस, हद होती है उससे ज़्यादा। तो इसको होता है यहाँ पे इसका मीनिंग टू मतलब मोर देन एनफ का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत की सेंस में लगेगा, बहुत जो होता है उसकी सेंस में लगेगा, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ, और वैसे ये टू जो है नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस होती है। अगर आपको मतलब ये कहते हैं कि मुझे फिर से मिल तो बहुत खुशी होगी, जैसे सेंटेंस है आई एम टू ग्लैड टू मीट यू, यानी मैं आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। टू अगर हमने बहुत ज़्यादा की इंग्लिश हमने टू लगा दी तो इसका मतलब है मैं हद से ज़्यादा खुश हुआ, और हद से ज़्यादा हर चीज़ गलत, ठीक है। तो अगर आप किसी से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हैं तो टू मत यूज करना उसे, टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश, मोर देन एनफ, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, ठीक है। तो टू हमेशा नेगेटिव, ग्रामर के अकॉर्डिंग टू हमेशा नेगेटिव सेंस देगा ग्रामर के अकॉर्डिंग। तो इसलिए अगर आप किसी से मिलकर कोई भी चीज़ करके बहुत ज़्यादा खुश है तो वहाँ टू यूज ना, ठीक है, मच बहुत। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड हिस्सा टू प्लस इन्फिनिटिव शोज नेगेटिविटी। टू के साथ इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ फर्स्ट, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर हम इस तरीके से इसको यूज करते हैं तो ये नेगेटिविटी को दिखाता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ही इज टू वीक टू वॉक, इसका मतलब है ही इज टू वीक, यानी वो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कमजोर है टू वॉक पैदल चलने में, ठीक है। तो इसका मतलब यही हुआ, यानी वो इतना कमजोर है, इसको वैसे ऐसे बोल सकते हो, वो इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता, ठीक है। अगर आपको किसी को कहना है वो इतना कमजोर है कि पैदल नहीं चल सकता तो उसकी इंग्लिश बनेगी ही इज टू वीक टू वॉक। ये टू वॉक हमारा इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, और टू हम भी एंड वर्ब के सेंस में यूज, ठीक है। नेक्स्ट, She is too poor to pay her fee, यानी इसका मतलब वो इतनी गरीब है कि अपनी फी नहीं दे सकती, ठीक है, हद से ज़्यादा गरीब। अब बच्चा पढ़ने वाला है कि फी तो हर कोई अफोर्ड कर, जब स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है फी तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो हद से ज़्यादा गरीब है कि वो अपनी फीस नहीं दे सकती, ठीक है। तो यहाँ टू नेगेटिव सेंस में यूज हो गया, ठीक है। नोट नहीं लगाए, देखो हमने नहीं, मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तुम्हें, ही इज टू वीक टू वॉक, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ कि वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, लेकिन नहीं की कोई इंग्लिश नहीं लगी है, नहीं की इंग्लिश नोट होती है बट यहाँ नोट नहीं लगा, इस टू से ही नेगेटिव सेंस आता है। टू जब हमने यूज करते हैं इसका मतलब भी हद से ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते, ये सेंस तो नोट की जरूरत ही। तो अगर टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ इस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है तो वह नेगेटिविटी दिखाएगा, नोट की जरूरत नहीं है वहाँ लगाने की, नहीं की इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है Also भी होता है, टू भी होता है। तो जैसे he too went to America, इसका मतलब वो भी अमेरिका गया, है भी अमेरिका गया, टू का मतलब भी होता है। सेम टू यू टू, अगर आपको किसी को विश करना हो
क्लियर हो गया कि ये हमारा टू का यूजेस था। नेक्स्ट टाइप का था हमारे मच और वेरी। मच हमने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन वेरी एडजेक्टिव नहीं होता, वेरी तो एडवर्ब ही होता है लेकिन मच हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। तो मच में और वेरी में क्या डिफरेंस होता है, मच इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव। अगर आपको, क्योंकि मैंने बताया ना मच एडजेक्टिव भी होता है, तो अगर आपको मच का यूज करना, मच का मतलब भी अधिक होता है, ज्यादा होता है, वेरी का मतलब भी बहुत या ज्यादा ही होता है, अधिक की सेंस में यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर कंपैरेटिव डिग्री क्या क्या है, अधिक की इंग्लिश लगानी है तो मच लगाइए, और अगर पॉजिटिव डिग्री क्या क्या है, अधिक की इंग्लिश लगानी है तो वेरी, ठीक है। कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, राम इज मच स्ट्रॉन्गर देन रवि, इसका मतलब ये हुआ राम रवि से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मच स्ट्रॉन्गर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अगर आपको किसी को कहना है, जैसे मान लो दो लड़कियों में कंपैरिजन हो गया, कहते हैं कि वो ना जैसे राधा ना दीपिका से ज्यादा सुंदर, थर्ड पर्सन अगर कहता है ज्यादा बहुत ज्यादा, मतलब उससे तो बहुत ज्यादा सुंदर है, अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं तो अब कंपैरिजन हो रही है, कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई, तो बहुत ज्यादा की इंग्लिश क्या लगेगी, मच, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से हम करेंगे शी इज मच मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्योंकि ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल होती है, तो मोर ब्यूटीफुल देन सरला, यानी वह सरला से बहुत ज्यादा सुंदर, बहुत ज्यादा की सेंस से वेरी नहीं लगा सकते हम, ये नहीं कह सकते राम इज वेरी स्ट्रॉन्गर देन, ये नहीं, ठीक है। अगर ज्यादा की इंग्लिश आपको लगानी है, स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव डिग्री होगी ना, पहले तो कंपैरेटिव डिग्री है, उसके आगे ज्यादा की इंग्लिश लगानी है तो मच लगेगी, वेरी लगेगी, या अदरवाइज, ठीक है जी। और वेरी कहाँ लगती है, पॉजिटिव डिग्री के आगे, जैसे अगर हमें कहना है कि वह बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है तो हम कहेंगे राम इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, यानी राम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी है। अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी ना, कंपैरेटिव सरप्राइज, तो सरप्राइज थर्ड फॉर्म होगी, इसलिए बहुत ज्यादा इंग्लिश मच लगेगी, ठीक है।
अब देखो डिफरेंस क्या है, टू मच इज यूज्ड फॉर
होते तो जैसे आप लोग ये चीज़ होती है बेसिक से मेरे को ना तुमने ये बात की ना मुझे बहुत दर्द मतलब बहुत बुरा लगा हद से ज़्यादा बुरा लगा तो उस हद से ज़्यादा की इंग्लिश क्या लगाने ठीक है वेरी मच भी लगा सकते हो बहुत ज़्यादा दर्द किया वेरी मच भी लग सकता है ऐसी कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा दर्द मच भी लग सकता है डिपेंड आप पे करता है कितना ज़्यादा आप कहना चाहते हो मच ज़्यादा वेरी मच बहुत ज़्यादा और टू मच हद से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कितना दर्द हुआ किसी बात से ठीक है तो अब यहाँ टू मच होगा तो हद से ज़्यादा ठीक है वो आपको देखना आप सेंटेंस में हद से ज़्यादा बोलना चाह रहे हो या बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहे हो ठीक है अब बहुत ज़्यादा बोलना चाह रहे हो वेरी मच बोलना चाह रहे हो उसको कुछ रूल्स अभी यहाँ यहाँ मच लगेगा यहाँ यहाँ मच लगेगा यहाँ टू मच वो रूल्स करना मीनिंग सबके सेम नहीं होते ठीक है बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है कि इसमें कहाँ यूज होता है तो जैसे मच टू इज यूज टू मच है ना वो तो नाउन से पहले यूज होगा हद से ज़्यादा अगर आपको कहना है तो और मच टू का वो एडजेक्टिव या पार्टिसिपल से पहले यूज होगा हद से ज़्यादा आपको कहना है और जैसे एग्जाम्पल से हम करेंगे हिज बिहेवियर गेव मी टू मच पेन यानी उसके बिहेवियर ने मुझे हद से ज़्यादा दर्द दिया हद से ज़्यादा पेन ठीक है अब आपको कहते हो जैसे आपको कोई चीज़ होती है बेसिक से मेरे को ना तुमने ये बात की ना मुझे बहुत दर्द मतलब बहुत बुरा लगा हद से ज़्यादा बुरा लगा तो उस हद से ज़्यादा की इंग्लिश क्या लगाने ठीक है वेरी मच भी लगा सकते हो बहुत ज़्यादा दर्द किया वेरी मच भी लग सकता है ऐसी कोई बात नहीं बहुत ज़्यादा दर्द मच भी लग सकता है डिपेंड आप पे करता है कितना ज़्यादा आप कहना चाहते हो मच ज़्यादा वेरी मच बहुत ज़्यादा और टू मच हद से ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कितना दर्द हुआ किसी बात से ठीक है तो अब यहाँ टू मच पेन पेन हमारा नाम होता है इसलिए हद से ज़्यादा की इंग्लिश में पूछ लेंगे नेक्स्ट है हमारा जैसे हिज बिहेवियर वॉज मच टू पेनफुल उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा दर्दनाक था पेनफुल वर्ड हमारा एडजेक्टिव होता है तो एडजेक्टिव क्या है बहुत ज़्यादा क्या लगा ठीक है ओनली टू का मतलब वेरी ही होता है ओनली टू ही विल बी ओनली टू हैप्पी टू मीट यानी वो तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ वेरी वेरी लगा